200 करोड़ के ठगी के मामले में आए दिन नया मोड़ आ रहा है। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर पत्र लिखकर कभी नोरा फतेही पर निशाना साध रहा है तो कभी चाहत खन्ना पर। बीते दिनों दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चाहत खन्ना ने अपने बयान दर्ज कराए थे और कहा था कि तिहाड़ जेल में सुकेश ने उन्हें प्रपोज किया था। वहीं अब सुकेश ने पत्र लिखकर कहा है कि तिहाड़ में उसने चाहत को प्रपोज नहीं किया और दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल था। सुकेश चंद्रशेखर का बयान चाहत खन्ना के प्रपोजल का दावा करने के बाद आया है। चाहत ने कहा था कि वह तिहाड़ में सुकेश से मिलने के बाद वह फंस गई थी, जहां ठग ने उनके सामने घुटने के बल बैठकर शादी का प्रस्ताव रखा था। जब एक्ट्रेस ने कहा कि वह पहले से शादीशुदा और दो बच्चों की माँ है तो सुकेश ने उनके पति को सही आदमी नहीं बताया था। एक्ट्रेस का कहना था कि ईडी से समन मिलने के बाद ही उन्हें पता चला था कि सुकेश तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजे नहीं हैं। वहीं अब मंडोली जेल में बंद सुकेश ने पत्र लिखकर यह दावा किया है कि उसने कभी भी तिहाड़ में चाहत खन्ना को प्रपोज नहीं किया है। उसका कहना है कि वह किसी फिल्म निर्माण के लिए मिलने आई थी, जो ईडी को दिए बयान में भी दर्ज है। सुकेश ने कहा कि मुझे डेट करना या उन महिलाओं के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो पहले से ही शादीशुदा हैं या फिर दो बच्चों की माँ हैं। मैं चाहत जैसा गोल्ड डिगर नहीं हूँ। चाहत और निक्की से मेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था। फिल्मी जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बौछार को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो शेयर लाइक एंड कमेंट करें।